खबर गाडरवारा से। बीते दिनों सडूमर गांव के पुरुषोत्तम मेहरा ने सरपंच पर एसटीएससी एक्ट के तहत बनवाया झूठा मामला। सरपंच सडूमर ने गाडरवारा में आयोजित की पत्रकार वार्ता में मामले को साजिश बताया। घटना के समय ये कार्यक्रम में उपस्थित थे और जो वीडियो बताया गया है वह पुराना वीडियो विशेष घटना से जुड़कर दिखाया जा रहा है। सरपंच कुंवर शैलेंद्र सिंह ने प्रशासन से इसकी निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। आप जैसा आप सबको के माध्यम से हमें जानकारी मिली मीडिया के माध्यम से कि मीडिया में जो बताया गया कि हमारे खिलाफ थाना पलुआ में SC ST रजिस्टर्ड हुआ है और उसमें हमारे षड्यंत्र पूर्वक यह पूरी का रचना रचकर और हमारे विरोधियों के द्वारा किसी को मोहरा बनाकर एक दलित परिवार जो हमारा बहुत पारिवारिक रिश्ते उनको मोहरा बनाकर और हमारे खिलाफ ऐसी साजिश रची गई उसकी मैं अपना पक्ष रखने के लिए और आपके माध्यम से मेरी बात समाज तक प्रशासन तक और नेता तक पहुंचाने के लिए न्याय की अपेक्षा से मैंने एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो का क्या मामला? उस वीडियो को मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा जाए। वह एडिटेड वीडियो है, उसमें किसी प्रकार की आवाज़ भी को भी एडिट किया गया है और अन्य चीज़ों को भी एडिट किया गया है। यह वीडियो का इस घटना से कोई संबंध नहीं, यह अलग एक घटना थी जो कि हमारा पारिवारिक विवाद था। उस पारिवारिक विवाद में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, चूँकि वो स्थान मेरा घर है, जहाँ पर वो जहाँ का वो वीडियो वो हमारा घर है। एक सामने हमारे परिवार के ही लोग कुछ थे, उस मामले को शांत करने के लिए इसके बाद हमारी पारिवारिक पंचायत हुई और सभी परिवारजनों ने बैठ के उस मामले को सुलझा लिया, इसलिए वो आज तक पब्लिक के संज्ञान में भी नहीं आया, ना कहीं थाने में गया, नहीं कहीं, पारिवारिक मामला था वो हमारा। लेकिन उस वीडियो को प्राप्त कर और उसको एडिट कर षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा गलत तरीके से उसको उपयोग उन्होंने बताई है। 10 तारीख में ग्राम सड़ूमर में उन्होंने बताया कि उनके साथ हमने और हमारे किन्हीं साथियों ने मारपीट करी, ऐसा उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया और यही FIR में जो हमें सूत्रों से पता चला कि थाने में मामला रजिस्टर्ड हुआ है। और लेकिन 10 तारीख में हम गांव में थे, पूरा गांव हमारे साथ में था, जो केंद्र सरकार का और राज्य शासन का 75 वर्ष जो पूरे होने पर 75 पौधारोपण का कार्यक्रम जो हो रहा था उस कार्यक्रम में हम सम्मिलित थे। सभी से कहीं आप जाके निष्पक्षता से जाए मामले में आप तहकीकात करेंगे तो आपको निश्चित बात इस चीज़ की जानकारी होगी कि वह घटना एकदम अलग, उसमें हमारा कोई शामिल नहीं है। वो शराब के नशे में, हमें जो जानकारी मिली है कि शराब के नशे में किसी से वहाँ अवैध वसूली जो कर रहे थे वो ग्राम पंचायत में कि साप्ताहिक बाजार वहाँ पर उन लोगों का किसी के साथ घटना घटित हुई और वो मामला उन्होंने हमारे ऊपर रचने की कोशिश की। एकदम पारिवारिक सदस्य है हमारा वो परिवार और हमारा ही मुख्य रूप से वो परिवार सदस्य है, पारिवारिक सदस्य है। हम लोगों का कई पीढ़ियों से संबंध है, उनके भाई साहब से, उनकी माता जी से, उनकी किसी भी रिश्तेदार से आप बात कर लें, वो केवल विपक्षियों या जो हमारे ऊपर षड्यंत्र रचना चाहते हैं उनके दबाव में आकर आज ये घटना वो ऐसी बात रख रहे हैं। और निश्चित बात है आगे उनकी भी आंखें खुलेगी और हम लोगों के संबंध उजागर होंगे और वो भी इस मामले से निश्चित बात उतरे। तक हमारी पुलिस अधीक्षक साहब से बात नहीं हुई क्योंकि हमें खुद ऐसा संज्ञान नहीं था कि इस तरीके की हरकत भी कोई कर सकता है हमारे साथ, या ऐसी कोई भावना हमारे अंदर नहीं थी या ऐसी वो नहीं था। अब लेकिन हम आज और 2 दिन से हम बाहर भी थे, आ जाए हैं, तो इसके बाद उच्च अधिकारियों से बात करें। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवारा से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।